की हुकूमत से बरतरफी के बाद बेहतर मुस्तकबिल का मतलाशी नौजवान तबका मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहा है। आज ब्रेन ड्रेन उरूज पर है। पीकस आमदनी में कमी। अशियाए जरूरिया की कीमतों में हौलनाक इजाफा। मजदूरी करा के बच्चे पाला के टेड अपना पाला बेतहाशा बिल है। ये मौत का परवाना है हमारे लिए। अच्छा तो मौत बेहतर है। 25,000 रुपया बिल है, कहाँ से मांगे? किसी से रुपया मांगे तो आगे से थप्पड़ मारता है, कह रहे काम करो, काम है नहीं। पखे बेचे अपना बिल फिर जमा कराया तरले वाला। किराया तो मकान है, माल मकान लिखा खाली कर मकान। मैंने अपनी बहन की वाली बेच के बिल दिया, क्या करें अब तो बताए ना। ये बिल नहीं रहा, ये अब सिर्फ भत्ते की पर्ची है। 10,200 कुछ रुपए मेरा बिल है। मैं हराम इससे हूँ। एक अंदाजा बेचने वाला इन जालिमों का पेट भरेगा, जाके अपने बच्चों का पेट भरेगा। नवाज शरीफ या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है। कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं। हमारे गरीबों के घरों में दो दो पक्के हैं, जिसका बिल 36,000 आया है, और इसके बारे में सोचो नवाज शरीफ। अपने कारोबार देखो, मैं 500-700 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ। 30,000 रुपए लगा किरायेदार आदमी बोलते मीटर कट के तो फिर आपको बुरा होगा। मीटर माल को मकान का मीटर नहीं कटना चाहिए। मैं कहाँ से दूंगा 30,000 रुपया? नहीं तो जान भी चली जाती। 30,000 रुपया मैं नहीं दे सकता। बच्चे के पास कपड़े नहीं है, मेरे पास नहीं है। गुर्बत की वजह से मेरी बच्ची फौत हो गई है। आज 8वां दिन हो गया है। हमारे घर आटा नहीं है। जिसके पास आटा नहीं हो गटर का पानी पीते हैं, उसकी क्या जिंदगी है मुझे बताओ। इमरान खान, जब इमरान खान होते थे ना, फिर भी थोड़ा सुकून की जिंदगी थी। जब ये आए हैं और बिल भी महंगा हो गया तो भूखे भी मर गए। 4 दिन हो गए सर इधर पड़ा हूँ। बच्चे भूखे हैं, ना घर में आटा है, ना कुछ है। बिजली का मीटर कट गया है, ना घर में पानी है, ना कुछ है।